नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की फटाफट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 24,000 करोड़ रुपए के घाटे का बजट हुआ पेश। महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए कई पैकेज का ऐलान। मुंबई में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कंस्ट्रक्शन के काम अब से बंद, पुलिस कमिश्नर ने दिया आदेश। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी मुश्किलें अब होंगी आसान। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारों में कटौती वाला विधेयक राज्यपाल ने किया मंजूर। सागरी मार्ग से जुड़ेंगे मुंबई के आसपास के इलाके। बजट में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किए बड़े ऐलान। अवैध निर्माण मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंत्री अनिल परब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का बड़ा हाथ, मिलना चाहिए पद्म भूषण। चुनावी नतीजों पर बोले संजय राउत। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओवैसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। मुंबई पुलिस पर दबाव बना रहे हैं नारायण राणे। दिशा सालियान मामले में दर्ज है FIR। मुंबई से सटे विरार शूट आउट के लिए दी गई 5 लाख की सुपारी, आरोपी यूपी में गिरफ्तार। यूपी चुनाव में मुंबई के कई नेताओं ने किस्मत आजमाई, एक के ही हाथ आई जीत। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 37 सीटों पर उतारे थे उम्मीदवार, सभी सीटों से हुई जमानत जब्त। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।